जैकोबियन थ्योरम आपके पास क्या होता है, ये एक यूज हो रहा था आपकी उसमें बुक में जो वेरिएबल्स हैं, तो मैंने सोचा कि आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जैकोबियन थ्योरम होता क्या है आपके पास। अगर आपके पास कोई यू वी फंक्शन हो, ठीक है, ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी एक्स और वाई के, यानी जैसे यू जो है एक्स पे भी डिपेंड करा, वाई पे भी डिपेंड करा, लेकिन उस पे उसको कैसे कर सकते हैं, और आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई इकट्ठे, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने लिख लिए, किसको करना है, आपने यू और वी को करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को आप जे यानी जेकोबियन यू वी बाय एक्स वाई इस करके भी आप लिख सकते हैं। और एक्चुअली ये आपने करना क्या होता है, ये एक्चुअली आपने डिटरमिनेंट ही फाइंड करना होता है। जैसे आप क्या करते हैं, अब जैसे यू है ना, तो फर्स्ट हम यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, कली यू बाय कली एक्स, कली यू बाय कली वाई, और फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, वी है, तो वी को एक दफा एक्स से और वी को एक दफा वाई से जो है वो हम इस तरह करके लिख लेंगे डिफरेंशिएट लेते हुए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह अगर आपके पास तीन वेरिएबल हो, ये तो मैंने आपको टू वेरिएबल्स की बात बताई, और इसी में अगर आपके पास जैसे यू वी डब्ल्यू तीन है और तीन को आपने एक्स वाई जी के साथ करना है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका होता है कि आप क्या करें, जो यू है फर्स्ट आप यू लेंगे, यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी, ये देखें यू को विद रिस्पेक्ट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जी हॉरिजॉन्टल लाइन में एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो है नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपने करना है वी को, वी को करेंगे तो वी को भी आप क्या करेंगे, एक दफा एक्स एक दफा वाई एक दफा जी, इसको भी एक नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो नेक्स्ट वेरिएबल की आ जाएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट इससे आ जाता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को कली डब्ल्यू पर कली एक्स कली डब्ल्यू पर कली वाई कली डब्ल्यू पर कली जी इस तरह के लिख लेंगे, यू लिख लेंगे। अब आप जैकोबियन में आपने और नॉर्मल डिटरमिनेंट में क्या फर्क होगा, यहाँ पे हम वहां लिखते थे आई हैट जे हैट और के हैड लिखते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई जे के नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा, जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल है उसके उसको विद रिस्पेक्ट टू तीनों एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट से हम करेंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपने इसका सेम ऐसे ही लेना है जैसे आप पहले लेते होते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपको कहा हुआ है कि एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब आपने क्योंकि देख रहे हैं आपके पास एक्स और वाई है ये, और यहाँ पे आपने आर और थीटा के रिस्पेक्ट से दोनों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको लिख लूंगी कली एक्स पे कली आर, कली एक्स पे कली थीटा हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे कली वाई बाय कली आर और कली वाई बाय कली थीटा ये आपने लिख लिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्स गिवन है, एक्स क्या था आर कॉस थीटा, उनका डेरिवेटिव ले लेना है। बारी बारी मैंने यहाँ पे सबके डेरिवेटिव ले लिए, ये देखिए आपके पास कली बाय कली आर और कॉस थीटा का आपने डेरिवेटिव लिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कली बाय कली थीटा के रिस्पेक्ट से इसका और कॉस थीटा का लिया डेरिवेटिव, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, सबके लेंगे और देखते जाएंगे जो भी आपके पास चार वैल्यूज आ जाएंगी, यानी ये आपने क्या किया है, जो डिटर्मिनेंट के अंदर आपने वैल्यूज फाइंड की हुई है ना, जो ये इनकी वैल्यू फाइंड कर ली, इनकी वैल्यू फाइंड करके इसको अंदर लिख लेंगे। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, वो आपको पता है कैसे होता है, ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई और ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई, कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर आर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये टर्म क्या आ जाएगी, माइनस तो बीच में आता ही है, यहाँ पे माइनस आर साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, यहाँ से आपके पास वन आंसर आ जाएगा और ये है आर, ठीक हो गया। फिर आप देखें कि आपके पास इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन दिया हो यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में, और अब आप देख रहे हैं कि यू वी डब्ल्यू को भी हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या देनी है आपको, लिमिट्स भी देनी है, वन माइनस वन और जीरो, ठीक है। तो इस पे जैकोबियन लगाएंगे, जैकोबियन लगाएंगे तो उससे आपके लिए डिटरमिनेंट लेना बड़ा आसान हो जाएगा। यू को क्या करेंगे, यू को एक दफा एक्स से, यू को एक दफा वाई और यू को एक दफा जी से, सिमिलरली वी को एक्स से, वी को वाई से और वी को जी से डिफरेंशिएट करेंगे, और डब्ल्यू को एक्स से, डब्ल्यू को वाई से और डब्ल्यू को जी से। अब आपके पास यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू जो भी वैल्यू है आपके पास गिवन है, उनको सिंपल आपने क्या करना है कि उनके डिफरेंशिएट लेना है, जैसे बारी बारी यहाँ पे मैं लूंगी और फिर उसके बाद मैंने इसमें सारी एंट्रीज कर देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब लेने के बाद मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एंट्रीज कर दी, यहाँ पे एंट्रीज करने के बाद आपने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, अगेन आप वैसे ही लेंगे जैसे आप नॉर्मली लेते होते। अगर आप वन लिखेंगे
तो ये दो टर्म आ जाएगी, ये देखिए ये दो टर्म आ गई। फिर अगर 6y माइनस 6y आपने लिखा तो 6y वाले केस में आपके पास ये दो टर्म आ जाएगी, ये दो टर्म आ गई। फिर अगेन आपके पास लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट पे आप ये वाली टर्म लिखेंगे तो ये दो टर्म आ जाएंगी, ठीक है। और फिर सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आंसर आएगा ना यहाँ पे, उस पे आपने लिमिट्स पुट करनी होंगी। लिमिट्स क्या है आपके पास, 1 -1 और 0, ये लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये सिंपल आपको जो आज बताया टॉपिक, ये जैकोबियन थ्योरम जो है एक्चुअली होता कैसे, क्योंकि ये आपके किसी किसी क्वेश्चन में जो है वो यूज हो रहा था, तो इसको आप यूज करके इसको कर लीजिएगा। साथ ही हम जो है वो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल जो आपने देखे हुए, एक आधा न्यूमेरिकल अभी कर ही लेते हैं। उसमें आपको क्या कहा हुआ है, शो दैट सिलैंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर सेल्फ रेसिप्रोकल, यानी आपके पास जो सिलैंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, और उसमें आपने क्या प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के सेल्फ रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक सेट आप ये सपोज करते हैं, रेसिप्रोकल होने के लिए क्या जरूरी होता है कि आपके पास ए बी सी सेट अगर एक है और एक आपके पास ए डैश बी डैश और सी डैश का सेट है, तो एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखती हूँ ऐसे, ऐसे अगर लिख सकूँ सेट को, यानी ए प्राइम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्रॉस सी, और नीचे इसकी ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे होंगे आप ए बी सी, ठीक है, ऐसे इसको लिखा जा सके। फिर आप देखिए बी क्रॉस कैसे लिखा जा सके, सी सी क्रॉस ए यानी डैश के बगैर, और फिर उन्हीं का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई सेट जो है वो एक दूसरे एक का रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपके पास जो साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के ही खुद खुद के ही रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो स्फेरिकल का आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको साइलेंड्रिकल का करवा देती हूँ। साइलेंड्रिकल के लिए आप देखिए ये आपको क्या कह रहे हैं कि इसके बेस यूनिट वेक्टर्स आपके पास होते क्या है, बेस यूनिट वेक्टर्स आपको जो है वो क्या होते हैं, ये मैंने आपको कराते हुए बच्चों ये बताया था फार्मूला, है ना, ये फार्मूला जो आपके पास है ना, कि ये जब मैंने आपको कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए थे तो उसमें बीच में रेसिप्रोकल के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे फार्मूला होता है, कोई भी वेक्टर एक दूसरे से रेसिप्रोकल ऐसे होंगे। अच्छा इसके बाद आप देखें कि सिलैंड्रिकल के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, ई रो ई फाई और ई जी आपके पास होते हैं, ठीक है। और सिलैंड्रिकल के लिए जो आपके पास ई रो ई फाई और ई जी की वैल्यू थी वो आपने फाइंड की हुई थी, ए बी सी ये हमने ये जो लिखी हुई है, ठीक है। ये अगर आपको याद ना आ रही हो तो आप इसको दोबारा से फाइंड भी कर सकते हैं। और फाइंड कैसे करना है, अब जैसे आपके पास ई रो है, ई रो फाइंड करने का क्या तरीका होगा, आप क्या लेंगे जो भी आपके पास पोजिशन वेक्टर था, कर्ली आर बाय कर्ली रो फाइंड करेंगे यहाँ पे, और फिर आप क्या करेंगे कर्ली आर बाय कर्ली रो का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करके फिर आपने ये वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। इसी तरह आपने ई फाई की और ई जी की थी, तो वो ये वैल्यू आई थी, वो आपने वैल्यू लिख लेनी है और फिर उनको नाम दे देने, जैसे हम फर्स्ट वाली को ए दे देंगे, सेकंड को बी और थर्ड को सी। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे ये हो जाएगा हमारे पास कि आप अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास जैसे ये ए बी सी है, ये एक सेल्फ रेसिप्रोकल है, अपने आप का ही रेसिप्रोकल है, तो वो कैसे होंगे, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें पता है रेसिप्रोकल के लिए हम क्या कंडीशन लिखते हैं, अब ए बी सी सेल्फ रेसिप्रोकल है या फिर हमें शो करना है कि ए बी सी के ही रेसिप्रोकल है, ठीक है, सेकंड सेट भी ए बी सी होगा। तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी, और ए बी सी ऐसे आना चाहिए जैसे अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट सेट को प्रूव करते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, हम लिखते हैं हमारे पास ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब हम देखें कि आपके पास बी क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी हम लेंगे बी और सी। अब बी हमने क्या सपोज किया हुआ था, ये सेट बी था, ये सेट बी था और सी ये था, ठीक है। इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी और सी का, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बड़ा आसान होता है अगर आप उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर लें, जैसे हमने यहाँ पे आई हैड जे हैड के हैड करके कर लिया, तो यहाँ पे आई हैड की वैल्यू आ जाएगी, जे हैड की आ जाएगी, इधर इस केस में के हैड की 0 है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये वाला दूसरा जो सेट है इसमें ये आई और जे 0 है और के 1 है, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे जो कि आपके पास ये आ जाएगी। और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो हमने देखा सेम ऐसी थी जैसे हमने ए सपोज किया हुआ था, ए की वैल्यू भी यही है और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो भी यही है। इसका मतलब है कि अगर मैंने बी क्रॉस वो लिया तो वो ये आ गया, ठीक है। और जो नीचे आपने लिखा होता है ना ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी ब्रैकेट में लिखते हैं,
ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता है कि वो कैसे लिखी जाती है, वो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते रहेंगे, या फिर ए यहाँ पे बी डॉट सी क्रॉस ए होगा, ठीक है, इस तरह करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लिया, तो आप देख रहे हैं कि बी क्रॉस सी अभी आपके पास आंसर जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए डॉट ए आ जाएगा, ए डॉट ए का आंसर क्या आ जाएगा, वन। जब आपके पास ऐसे वन आ रहा हो, इसका मतलब पता है दोनों सेट एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। तो अगर हम देखें, हमने ये फाइंड किया ना वैल्यू, वो किसके इक्वल आ गई, ए, यानी ए ए के ही इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट हम करेंगे बी जो है वो उसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, इस सेट अनदर सेट जो है वो सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ए बी सी सेट है ये सेल्फ रेसिप्रोकल है इन केस ऑफ साइलेंट्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल हो जैसे आपको ये कहा हुआ है प्रूफ करें, तो इसको कैसे करेंगे आप? जैसे फर्स्ट पार्ट आप लेते हैं डेल क्रॉस कॉस थीटा डेल फाई है आपके पास, ठीक है। अब इसका मतलब है आप कर ले रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, डेल क्रॉस का मतलब होता है आप कर ले रहे हैं किसी चीज का, तो हम इसकी जगह कर भी लिख सकते हैं, हम कर ले रहे हैं किसका, कॉस थीटा और डेल फाई का। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कॉस थीटा कोई स्केलर फंक्शन है, जबकि डेल फाई ग्रेडियंट होने की वजह से ये कि आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक मैं अगर नॉर्मल याद करूँ फॉर्मूला, जो मैंने नॉर्मल जो है डिटर्मिनेंट और सॉरी कलर डाइवर्जेंस पढ़ते हुए जब हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था हमारे पास, उसमें हमारे पास था कि आप जो है वो क्या करते थे, उसमें उसमें आप करते थे कि कल फाई एफ किसके इक्वल होगा। यहाँ पे आप कर्ल आप ले रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि कर्ल के अंदर आपके पास एक वेक्टर जो है वो स्केलर फंक्शन है यानी फाई, और दूसरा क्या है वेक्टर फंक्शन, यानी स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन का जब आप कर लेते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे ग्रेड फाई, यानी ये पहले डेल डेल है ना, डेल क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, यहाँ ग्रेड फाई आएगा क्रॉस एफ प्लस यहाँ पे आप फाई बाहर आ जाएगा, फिर कर्ल एफ आ जाएगा, यानी जैसे चेन रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ग्रेड फाई का मतलब होगा डेल फाई, डेल फाई और क्रॉस एफ प्लस यहाँ पे फाई, और ये कर्ल एफ का मतलब होगा डेल क्रॉस एफ, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, सिंपल जैसे वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे कर्ल एफ के बजाय अगर आप यहाँ पे यू लिखे ना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डेल क्रॉस और यहाँ पे ये आपके पास यू है, ठीक है। तो जब इसका आप इस ओपन करके लिखते हैं वो आपके पास इस फॉर्म में बन जाता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर फंक्शन का हम कर ले रहे हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में भी ऐसे ही कि मैंने, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कर्ल कॉस थीटा डेल फाई ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड पहले हमने लिया जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे स्केलर फंक्शन फाई था, फिर क्रॉस हमने लिया डेल फाई आ जाएगा, फिर हमारे पास कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे फाई बाहर आ गया, और फिर कर्ल हम ले रहे होंगे डेल फाई का, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेड कॉस थीटा का मतलब था डेल कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपके पास क्रॉस डेल फाई प्लस यहाँ पे कॉस थीटा डेल क्रॉस डेल फाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर ली है, कर्ल का मतलब होता है डेल अगेन लेंगे आप। अच्छा, आपके पास हमेशा डेल क्रॉस डेल एफ जो लेते हैं वो इक्वल्स टू जीरो था, ये आपने प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म आएगी ये जीरो आ जाएगी, ये टर्म जीरो आ जाएगी, इसको भी मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगी, पीछे से ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने करना है, इसको आप कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में आपको पता है डेल किसके इक्वल होता है, इवन हैट बाय एच वन कर्ली बाय कर्ली यू प्लस ई टू हैट एच टू कर्ली बाय कर्ली वी प्लस ई थ्री हैट कर्ली एच थ्री बाय कर्ली डब्ल्यू, सॉरी यहाँ यू लिख दिया मैंने, डब्ल्यू लिखना है आपने, ठीक है, इसके इक्वलेंट होता है। और इन सबको आपको पता है इवन अगर हम लिखेंगे साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो उसके यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताए हुए थे, और एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू भी बताई हुई थी, वो आगे करेंगे वो इसके अंदर पुट करेंगे, यानी डेल की जगह ये लिखेंगे, फिर कॉस थीटा बीच में लिखेंगे, ठीक है, तो वो आप आगे सॉल्व कर लेंगे। बस शुरू की थोड़ी सी आपको यहाँ पे इसका साइंस थोड़ी बताना जरूरी थी जो यहाँ पे आपको बता दी है।